सभी मित्रगणों को नमस्कार। मैं भुवनेश वंश आज DSC 8 तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम शुरू करता हूँ DSC 8 हिंदी नाटक एवं एकांकी से, जिसमें आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित इकाई 1 भारत दुर्दशा पढ़ेंगे। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। भारतेंदु ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियों, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ों की भारत लूटने की नीति को मानते हैं। अंग्रेज़ों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया। पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को ज़बरदस्ती हम पर थोपने लगे। कमाई के ज़रिए छीन लेने से देश में भूखमरी फैल गई, लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे। इसमें अंग्रेज विचलित नहीं हुए, वह बदस्तूर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लूटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था, बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निराशक्ति से, निष्क्रियता से। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशित हुआ। उन्होंने इस प्रकार लिखा, रोहहु अब मिलिके, सब मिलिके, आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो भारतवासी हैं भारत के, वो दुर्दशा पर रोएं और फिर दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करें। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक है, इसको 6 अंकों में उन्होंने विभाजित किया। हम हर एक अंक की व्याख्या देखेंगे। भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। अंक इतने छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दृश्य भी लिख दिया जाता तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर ना आता। पहले अंक में एक योगी लावणी गाता है। लावणी शब्द का अर्थ है कि यह एक प्रकार का गीत है जिसमें लंबी कहानियां सुनाई जाती हैं। तो पहले अंक में एक योगी लावणी गाता है, हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है।
वह शुरू में ही भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के रुदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है। यह योगी हमारे नाट्य शास्त्र का परिचित सूत्रधार मात्र नहीं है, यह तो मानो भारतीय आत्मा की आवाज़ है। यह गाकर दर्शकों को भारत का दैव्य दैन्य देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता है। इसी प्रकार दूसरे नाटक के दूसरे अंक में शमशान के कुत्तों कौओं सैयारों के बीच फतेहाल भारत का प्रवेश होता है। वह अपनी रक्षा के लिए भी कभी ईश्वर को और कभी राज राजेश्वरी को पुकारता है। वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, यह उन्हीं पूर्वजों का भारत है जो बिना लड़े सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी तैयार नहीं होते थे। यह दुर्बल एवं रणभीरु भारत नैपथ्य से भारत दुर्दैव की कर्कश गर्जना सुनकर मूर्छित हो जाता है। उसकी फतेहाली भारतीय विपन्नता एवं उसकी मूर्छा आत्मविश्वास शून्यता एवं भयग्रस्तता के बिंब को उभारती है। तीसरे अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारत दुर्दैव एवं सत्यानाश फौजदार इन दो मूलकों का प्रतीक लेते हैं। वे अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। भारत दुर्दैव की वेशभूषा आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी है। भारत की हजार वर्षों की गुलामी को प्रत्यक्ष करने की यह बेजोड़ नाट्य युक्ति थी। चौथे अंक में मतलब नाटक के चौथे भाग में चौथे अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी गुलाम हीन एवं हत दर्प बनाने के कारणों का उल्लेख करते हैं। हत दर्प शब्द का अर्थ है जिसका घमंड चूर हो गया हो, ऐसे व्यक्ति। तो कारण है आलस्य अपव्यय रोग मदिरा अंधकार। ये अमूर्त प्रतीकात्मक पात्र विस्तार से दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हैं। इनकी बोलीबानी एवं वेशभूषा हास्य स्तोपादक है। इनके संवादों से भारत पर हमले के निमित्त की गई इनकी सैन्य तैयारी का पता चलता है। इसी प्रकार पांचवें अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उल्लेख किया, भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख है। इसमें बंगाली महाराष्ट्री देशी कवि एडिटर आदि सजीव पात्र हैं। बंगाली महाराष्ट्री एवं एडिटर की साहसिकता तथा हिंदी भाषी देशी सज्जन एवं कवि की कायरता का दृश्य खड़ा कर नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण के तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है। इसी के साथ आखिरी और छठवें अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इसमें भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्म अधिकार कारुणिक है। वह अंततः छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है। इस पूरे भारत दुर्दशा के छः अंक के पूरे इस विषय में कुछ शब्दार्थ हैं जो कि लाविणी गीत हैं, कि जो एक प्रकार का गीत है जिसमें लंबी कहानियां सुनाई जाती हैं, और हत दर्प जिसका घमंड चूर हो गया हो। अब हम कुछ बात करते हैं भारत दुर्दशा नाटक की भाषा शैली पे, जो कि प्रश्न पूछा जाता है भाषा शैली का। तो हम भारत दुर्दशा नाटक की भाषा शैली के को पूरा करेंगे, उसके तत्पश्चात हम
भारत दुर्दशा नाटक को इन 6 अंकों में किस प्रकार से लिखा गया है वह सारा पढ़ेंगे। भारत दुर्दशा नाटक की भाषा शैली। भारत दुर्दशा की पात्रों के अनुरूप भाषा रंगमंचीयता के अनुकूल है। यह भाषा टकसाली उर्दू या नवाबी जुबान के संस्कार त्याग कर लोक प्रचलित हिंदी के संस्कार अपनाती है, जिसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी बोलते व समझते हैं। भारत दुर्दशा की भाषा भी सीधे जनता से जुड़ी भाषा है, इसलिए वह दर्शक का पर्याप्त मनोरंजन करती है। इसमें एक पात्र आती है निर्जलता निर्लज्जता, वह भारत से कहती है, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। तो इसमें हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है वैसी ही भाषा को प्रस्तुत किया भारतेंदु हरिश्चंद जी ने। इसी प्रकार ऐसी भाषा हास्य एवं व्यंग की फुहारे छोड़ते हुए लोक मानस को बदलती है। इस भाषा में बनारसी बोली का रंग रोगन मिलता है। मुहावरों लोकोक्तियों से सजी यह भाषा दर्शक या पाठक से सहज आत्मीयता स्थापित करती है। भारत दुर्दशा में नाटकीय संघर्ष की जो कमी है उसकी पूर्ति भारतेंदु अपनी इस आम फहम भाषा से ही करते हैं। तो आज हमने DSC 8 का जो भारत दुर्दशा है उनके जो संभावित प्रश्न कह सकते हैं संभावित विषय हैं वो हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। भारत दुर्दशा, उसका स्वरूप, भारत दुर्दशा के 6 अंक और भारत दुर्दशा नाटक की भाषा शैली। अब हम भारत दुर्दशा के नाटक को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक का ये जहाँ से भी हमने उठाया है इस किताब को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो भी हिंदी ऑनर्स 3rd सेमेस्टर का जो इंस्टाग्राम चैनल बनाया गया है उसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हो। और आज के ये जितना भी हमने पढ़ा है सबकी जो पिक्चर है तस्वीरें या नोट्स कह सकते हैं ये पोस्ट के ज़रिए इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगा। उन्हें देखने के लिए आप इंस्टाग्राम हिंदी ऑनर्स 3rd सेमेस्टर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक को हम पढ़ते हैं। पहला अंक में जो स्थान है वो बिथी है, एक योगी लाविणी गाता है। तो लाविणी इस प्रकार है, रो अहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, सबके पहले जे ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जे ही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्याफल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे रसोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, जहाँ भय शाके हरिश्चंद्रु नहुष याति, जह राम युधिष्ठर वासुदेव सरयाति, जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रूही मूढ़ता कलह अविद्या राती, अब जहाँ देखहूँ दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलहा बुलाई जवन सैन पुनि भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलहा अधियारी, भय अध पंगु सेव दीन हीन बिखल बिलखाई,
हाँ हाँ भारत दूरदशा ना देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति खवारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन टूने दूने दुख इष्ट तेत हाहारी। सब सबके ऊपर टिकट्स की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। ये पटेल तोलन द्वारा है। दूसरा अंक पूर्ण हिंदी में है। इसमें जो स्थान है वो शमशान है, टूटे फूटे मंदिर हैं, कौआ कुत्ता सैयार यहाँ पे घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। और भारत का प्रवेश होता है इसमें। भारत, हाँ यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुच्याग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, ट्रिंड चिंतता, सत्य सब कहाँ गए। अरे पामर जयचंद्र तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, रोता है। माता राज राजेश्वरी विजयायिनी मुझे बचाओ, अपनाए लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेज़ों के हाय हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी ना सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। इसमें वो गीत आता है एक, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में हाहा होए अनाथ। जाकी शरण गहत सोई मारत सुनत न को दुख गात, दीन बनियो इस सो उन डोलत टकरावत निज मात। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख सिंजत देत को नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ। नैपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से कहते हैं, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नाम नहीं। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाय मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय इससे वैसे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राज राजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। निर्लज्जता कहती है, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार ने आमत है। और देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले ना उठेगा, नैपथ्य की और आशा जल्दी आओ। आशा आती है और निर्लज्जता कहती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा कहती है, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ।
दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे अंक में स्थान आता है मैदान। इसमें फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है। भारत दू कहाँ गया? भारत मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, ये इस प्रकार नाचता और गाता हुआ दुर्दैव आते हैं। अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है, एक तस्सा बाकी है। अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेज़ी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। लिया भी तो अंग्रेज़ों से ओंगुन। हाँ हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर। इसी प्रकार इस पूरे तीसरे अंक में भारत दुर्दैव सत्यानाश फौजदार अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। इसको लिंक में आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार चौथे अंक में जो कमरा अंग्रेजी कमरा सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है, इसमें रोग का प्रवेश होता है और रोग भी इसी प्रकार से गाता हुआ आता है। इसमें गुलामहीन हर्त दर्प, ठीक है, जो जिसका क्रोध पूरा घमंड टूट गया हो, तो इस प्रकार से वो मदिरा अंधकार आलस्य अपवैक अमूर्त प्रतीकात्मक पात्र के विस्तार से दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हैं और बोलवानी वेशभूषा जो होता है उसको हास्यास्पादक बनाते हैं। तो इस प्रकार आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका मिल जाएगा। इसी प्रकार पांचवे अंक में स्थान है हमारा किताब खाना। इसमें सात सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने चश्मा लगाए छड़ी लिए, छह सभ्यों में एक बंगाली एक महाराष्ट्र एक अखबार हाथ में लिए एडिटर कवि और दो देशी महाशय होते हैं और ये इनके इसमें अंक में इनका नाटक दिखता है। जो कवि है उसकी कायरता का दृश्य खड़ा करते हैं। नाटककार बंगाली नवजागरण और जो मराठी नवजागरण उसकी तुलना में हिंदी नवजागरण के जो पिछड़ा पैनल उसको उन्होंने उभारा। आखिरी और छठे अंक में ये जो स्थान है वो गंभीर वन का मध्य भाग है और भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा हुआ है, मतलब कि उसे कोई भी किसी प्रकार के शुद्ध नहीं है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है और वो गाता हुआ राग चैती चोरी जागो रे जागो भाई इस प्रकार से गाता है। और ये जो पात्र वो संवाद और कार्य व्यापार चित्रित हैं। इसमें भारत भाग्य का लंबा जो गीतात्मक संवाद है वो पूरा गौरव अतीत और दुखद वर्तमान दोनों को समेटता हुआ भारत भाग्य का आत्म अधिकार कारुणिक होता है, जिसमें वो अनंत छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार से हम इसको भी लिंक के ज़रिए पढ़ सकते हैं। पूरी व्याख्या इसके हिंदी में भी है। तो इसी प्रकार आपसे विदा लेता हूँ और आज हमारे DSC 8 इकाई 1 भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगले हफ्ते की जो वीडियो आएगी शनिवार को, उसमें इस पाठ से संबंधित जो संभावित प्रश्न होंगे वो और जो भी आगे का कोर्स हो जाएगा तब तक उसके संभावित प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। कल की कक्षा कल की कक्षा में हम DSC 9 का जो पहली इकाई है सामान्य भाषा ज्ञान में जो भाषा एवं भाषा विज्ञान है, भाषा की परिभाषा एवं उसका स्वरूप पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। और आज की
टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा भारत दुर्दशा का, उसकी पिक्चर्स, उसका जो भी नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगा पोस्ट के ज़रिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से इंस्टाग्राम चैनल हिंदी यूनिट थर्ड सेमेस्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।